जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटेक एजुकेशन पर। मैं मोहन नेक्स्ट पार्ट के साथ आया हूँ। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी बॉम्ब कैलोरीमीटर के ऊपर, तो उसमें हमने कुछ बेसिक सी बातें डिस्कस करी थी। आज उससे ऊपर वाला लेवल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ऑलराइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर यह मान रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ वहीं से हम यहाँ पर उठाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आखिर में बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बॉम्ब कैलोरीमीटर एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर होता है। क्या? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मीन्स इसके अंदर वॉल्यूम हमारा थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्स्टेंट रहता है, या थ्रू आउट द रिएक्शन कॉन्स्टेंट रहता है। ऑलराइट, आगे स्टार्ट करते हैं हम कि आखिर में हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बनाया था, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं हम किसी भी क्या सॉलिड और नॉन वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल के लिए। मीन्स जो सॉलिड है और नॉन वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल है उनका कैलोरीफिक वैल्यू, क्या कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर थोड़ा शायद मिस प्रिंट है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्या प्रिंसिपल है। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल इज़ बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स एक फिक्स्ड अमाउंट का फ्यूल, ऐसा फ्यूल जो कि हमें जिसका अमाउंट पता है कि 1 ग्राम है, 2 ग्राम है या 10 ग्राम फ्यूल हमने जलाया है, किसमें? ऑक्सीजन के एक्सेस में। क्लियर है? पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि हम एक नॉन सैंपल ऑफ फ्यूल उसमें बर्न करते हैं जिसके अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्लियर है? जो हीट हमारी लिबरेट हो रही है उसको हम नॉन अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मीन्स जो हीट, अब कोई फ्यूल हमने जलाया है, फ्यूल हमने जब जलाया है तो उसमें से क्या होगा, कम्ब्यूशन रिएक्शन होगी। कम्ब्यूशन रिएक्शन होती है तो हीट इवॉल्व होती है। अब जो हीट इवॉल्व हुई है वो हमने वाटर को ट्रांसफ़र कर दी, और किस वाटर को ट्रांसफ़र करी, जिसका अमाउंट हमें पता है। क्लियर है? फिर क्या है, फिर है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है किसी फ्यूल की उसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। उसको हम डिटरमाइन करते हैं कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगाकर। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि नेट हीट गेन इज इक्वल्स टू नेट हीट लॉस्ट। मींस सपोज अगर ये कोई बॉडी है, ए बॉडी है, और ये कोई बी बॉडी है, ठीक है। ये अगर मेरा हाई टेम्परेचर पे है, टी इसका ज़्यादा है और इसका टी कम है, तो जितनी हीट ये लॉस करेगा उतनी क्या करेगा, बी गेन करेगा। इसने सपोज क्यू लॉस की है तो इसने क्यू गेन की है। क्लियर है बात? तो वही प्रिंसिपल है हमारा, है किसका, कैलोरीमेट्री का। तो प्रिंसिपल आपको क्लियर हुआ कि किस प्रिंसिपल पर बॉम्ब कैलोरीमीटर काम करेगा। ऑलराइट, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो कि आखिर में बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे बनाते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टेनलेस स्टील बॉम्ब लेते हैं हम लोग। ये कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ इस पिक्चर में देखना, ये हमने क्या किया है, एक बॉम्ब है, ये स्टील का बना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिया है, तो क्या कर रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टेनलेस सिलेंड्रिकल शेप में लिया है, जो क्या है, हमारा स्टील का बॉम्ब है। या बोल सकते हैं आप सबने देखा होगा, एक सिलेंडर देखा होगा ना, तो सिलेंडर किसका बना दिया हमने यहाँ पर, स्टेनलेस स्टील का, और उसी को हमने हमारी इस लैंग्वेज में क्या बोल दिया है, बॉम्ब बोला है। ऑलराइट, अब बॉम्ब के अंदर क्या होता है, हमारी कम्ब्यूशन रिएक्शन होती है। कम्ब्यूशन रिएक्शन कैसे होगी, सपोज ये हमारा क्या था, बॉम्ब था, ये बॉम्ब था, इसके अंदर हमारा कुछ सैंपल था, इस सैंपल को हमने बर्न किया, तो यहाँ पर कम्ब्यूशन रिएक्शंस होगी, होगी नहीं होगी, तो क्या बोल सकते हैं, जो रिएक्शन से या जो फ्यूल हमारा बर्न हो रहा वो बॉम्ब के अंदर ही होगा। क्लियर है? अब हमने क्या किया, द बॉम्ब हैज़ लिड विथ स्क्रूड टू द बॉडी ऑफ द बॉम्ब मेक परफेक्ट गैस टाइट सील। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसको हमने बहुत ही
स्क्रू की मदद से टाइट किया है। ये ऐसा कुछ ओपन टाइप था, फिर हमने इसका जब ढक्कन लगाया तो ढक्कन को बिल्कुल टाइटली क्या किया हमने, इसको बाइंड कर दिया इससे स्क्रू की मदद से। ऑलराइट, अब जो लिड है उसके अंदर दो स्टेनलेस क्या है, स्टील इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है एंड एन ऑक्सीजन इनलेट वॉल्व भी है, उसके अंदर ऑक्सीजन इनलेट वॉल्व भी है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर इस वाले फिगर से मैं आपसे बात करूं तो एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ठीक है, साथ में ये ऑक्सीजन का वॉल्व है हमारा, जिससे कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं कंटिन्यूस, जिससे कि ये जो सैंपल है हमारा ये क्या हो सके, बर्न हो सके, परफेक्ट बर्न हो सके, क्योंकि ऑक्सीजन अगर इसको अच्छे से मिलेगी एक्सेस अमाउंट में तो ये अच्छे से बर्न होगा। ऑलराइट, ये बाकी सारी चीज़ें में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। फिर क्या कह रहे हैं कि जो बॉम्ब है उसको हमने कॉपर कैलोरीमीटर जो है, प्लेस्ड इन कॉपर कैलोरीमीटर सराउंडेड बाय एयर एंड वाटर जैकेट विच प्रिवेंट लॉस ड्यू टू द रेडिएशन। अब उस बॉम्ब को हमने कॉपर कैलोरीमीटर के जो है उसको एयर और वाटर की जैकेट के अंदर रख दिया। देखेंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा बॉम्ब है इतना। ठीक है, इस बॉम्ब को हमने ये कॉपर के अंदर वाटर फिल है और ये बीच में क्या है, एयर है, देख पा रहे होंगे आप, ये एयर है हमारा। तो क्या किया है, इसको हमने वाटर और एयर जैकेट के अंदर रख दिया। किसको, इस बॉम्ब को। क्यों रख दिया इस बॉम्ब को इसके अंदर, जिससे कि जो हीट है इसके द्वारा जो हीट है वो इससे बाहर ना जा पाए। ठीक है, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई। ऐसे ही इस वाले में मैंने पहले कुछ बता दिया था, ये बॉम्ब है हमारा। ठीक है, ये हमारी क्या है, जैकेट है, डेट इज़ वाटर जैकेट हो सकती है या फिर एयर जैकेट हो सकती है, दोनों डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। ऑलराइट, सो यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिकली ऑपरेटर, मतलब एक स्टीरर है जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है या मैकेनिकली ऑपरेटेड है, और फिर हमने क्या लिया, बैकमैन्स थर्मोमीटर, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो बात है उसमें टेम्परेचर का मेजरमेंट कर लेते हैं। क्लियर है, तो देखें आप लोग, अब मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखें। क्या है, ये हमारा है बॉम्ब जो बना है स्टेनलेस स्टील का और बिल्कुल टाइटली पैक है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये ऑक्सीजन वॉल्व हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है जिससे कि सफिशेंट ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाए। ऑलराइट, और उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोड को। अब ये हमारी है वाटर जैकेट, इसको क्या बोला है इन्होंने, वाटर जैकेट, हर चीज़ का नाम लिखा है, आप उसको देख सकते हैं, ये वाटर जैकेट जो है और ये एयर जैकेट, ये वाटर जैकेट है हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो है ये वाटर जैकेट है, तो यहाँ पर क्या होगी, कुछ रिएक्शंस हो रही है इसके अंदर, हो रही है ना, यहाँ पर जब कुछ कम्ब्यूशन रिएक्शंस होगी, किसकी, फ्यूल जब जलेगा, ठीक है, तो यहाँ से कुछ हीट इवॉल्व होगी। अब ये हीट इवॉल्व होगी तो इस हीट की वजह से इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, इस वाटर का क्या होगा, इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये हम बैकमैन्स थर्मोमीटर की मदद से मेजर कर लेंगे। क्लियर है, मींस क्या कह सकता हूँ मैं, यहाँ से मुझे इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पता चल जाएगा वाटर का। ठीक है, बाकी ये वाटर जैकेट है, ये सॉलिड फ्यूल हमने यहाँ पर लिया है, स्टेनलेस स्टील बॉम्ब है, कॉपर कैलोरीमीटर है, इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टीरर है। अब स्टीरर का क्या काम है, स्टीरर का काम है कि ये क्या करे, वाटर को कंटिन्यूसली घुमाता रहे जिससे कि वाटर यूनिफॉर्मली हीट हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर रिएक्शन जो है पास में है तो यहाँ पर ज़्यादा हीट हो गया, यहाँ पर कम हो रहा है, पूरा इक्वली हीट हो हर पॉइंट पर जो वाटर है। इसलिए हम इसको स्टीरर को क्या करवाते हैं, कंटिन्यूसली घुमाते रहते हैं जिससे कि हर पानी बराबर तरीके से हीट हो। ऑलराइट, तो ये बेसिक सी बात थी, आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, थोड़ी पिक्चर ब्लर है लेकिन समझने की आप लोग कोशिश जरूर करना। देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, या फिर आप ये डायग्राम भी वहाँ पर बना सकते हैं, दोनों में आपको ऑलमोस्ट फुल नंबर मिलने की चांसेस है। क्लियर है, देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर आपको ये एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये हमारे प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर। ठीक है, और ये जो कप है
ये भी हमारा प्लेटिनम का कप है, ये चीज़ आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी। ऑल राइट, तो क्लियर है यहाँ तक कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन, मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की वर्किंग की। तो वर्किंग क्या है इसकी, कि जो हमने स्मॉल अमाउंट का जो सब्सटेंस लिया था, ठीक है, किसी उसके अंदर जो कप था हमारा, जो प्लेटिनम कप मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कप बोल दो इसको, कप बोल दो या फिर कैप बोल दो, ठीक है, दोनों बात सेम ही है। तो इसके अंदर जो हमने स्मॉल अमाउंट में जो सब्सटेंस लिया था उसका हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। तो जो वेसल है, वेसल के अंदर जो ऑक्सीजन हमने फिल करी, वो उसका जो प्रेशर है कितना है, 20 to 25 एटमोसफियर, और उसको हमने सील कर दिया, ठीक है। क्या वर्किंग है, हम किसी जैसे कप हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, कप या फिर कैप, इस कप और कैप के अंदर हम क्या ले रहे हैं, कुछ फ्यूल ले लेते हैं, ये है, तो इसके अंदर हमने कुछ सॉलिड फ्यूल या नॉन वोलेटाइल फ्यूल हमने ले लिया। ऑल राइट, अब इस कप के अंदर क्या किया, जैसे कि इसको मैं अगर आपको पिक्चर में शो करूँ, तो ये कप है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने इसमें अंदर फ्यूल लिया, और ये क्या है, ऑक्सीजन इसके अंदर काफ़ी प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का प्रेशर 20 से 25 एटमॉस्फेयर है। अब इसको हमने क्या किया, सील कर दिया, ये यहाँ से सील है, देख पा रहे होंगे आप लोग, या यहाँ से भी सील है ये। पहले अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने सैंपल लिया और इसको यहाँ से सील किया है। ऑल राइट, अब इस एपरेटस को हम क्या करेंगे, किसी भी वाटर टब, सपोज़ वाटर टब के अंदर इसमें पानी भरा है, उस पूरे एपरेटस को हम इसके अंदर रख दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको रख दिया, और यहाँ पर स्टीरर की मदद से इस वाटर को कंटिन्यूस घुमा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है उनके अंदर हम मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बना देते हैं बैटरी की मदद से, क्लियर है, देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर, ये बैटरी की मदद से दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन करवा दिया है। अब क्या होगा, जो इनिशियल टेम्परेचर था किसका, वाटर टब का, उसको हमने मेजर कर लिया, जो टब के अंदर जो वाटर है उसका इनिशियल टेम्परेचर हमने मेजर कर लिया, वो कितना होगा, ठीक है, पहले भी कर लिया, इनिशियल कर लिया, फाइनल भी हमने कर लिया। अब क्या करना है, कि जो हीट जो प्रोड्यूस हुई है ना, उसको हम कैलकुलेट करना है। तो जो क्वांटिटी हमें हीट प्रोड्यूस हुई है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस फ्यूल को, जितना फ्यूल हमने बर्न किया है उसकी मदद से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। तो देखो ये कैलकुलेशन है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो आइए देखते हैं इसको एक बार और अच्छे से, क्या कहते हैं, जो हमारा सैंपल था किसका, फ्यूल का, दैट इज़ सॉलिड फ्यूल हो सकता है, या फिर हमारा क्या था, नॉन वोलेटाइल फ्यूल होगा हमारा, ठीक है। उसका जो सैंपल था उसका हमने एक्स ग्राम लिया था, जो वेट था वाटर का कैलोरीमीटर के अंदर उसको हमने कैपिटल डब्लू ग्राम लिया था, क्लियर है। और जो वाटर इक्विवेलेंट है कैलोरीमीटर का, स्टीरर का, बॉम्ब का और थर्मोमीटर का, उसको हमने क्या बोल दिया, डब्लू जी, मीन्स स्मॉल डब्लू और जी, क्लियर है। ये बेसिक सी बात है जो आपको याद रखनी है। इनिशियल टेम्परेचर हमने T1 बोल दिया था, फाइनल टेम्परेचर T2 बोला था, क्लियर है, डेट इज़। और फिर हमने एक चीज़ और अज्यूम करी थी कि जो हायर और ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है उसको हम सी कैलोरी पर ग्राम या फिर GCV से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। ये हमने अजम्पशन लिया है यहाँ पर, ऑल राइट, कि जो हायर और ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है उसको हमने क्या बोल दिया, GCV, क्लियर है बात। फिर मेरे से क्या कहा गया है, फिर जो हीट गेन होगी, अब क्या होगा, थर्मोमीटर में जो हमने किया था, मींस थर्मोमीटर से कुछ टेम्परेचर हमने नापा था, तो वहाँ पर हमें टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिला होगा, तो जो हीट हमारी वहाँ पर आएगी, क्या, हीट गेन्ड बाय वाटर, वो होगा W, डेट इज़ वेट ऑफ कैलोरीमीटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो जो हीट गेन होगी, मेरी हीट गेन कितनी आ गई, W T2 माइनस T1 कैलोरी, क्लियर है बात। फिर ये तो हो गया किसके द्वारा, वाटर ने कितनी हीट गेन करी, अब कैलोरीमीटर ने कितनी हीट गेन करी, वो जाएगा स्मॉल W इनटू डेल्टा कैलोरी, इतना हो जाएगा,
मीन्स वाटर ने हमारी इतनी हीट गेन करी थी और कैलोरीमीटर ने इतनी हीट गेन करी थी, तो जो टोटल हीट गेन होगा मीन्स हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर वो इतना हो जाएगा जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। मीन्स ये क्या होगा, टोटल हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर इज इक्वल्स टू वाटर का अलग से प्लस किसका कर देंगे हम, कैलोरीमीटर का। तो W प्लस C हम करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। क्लियर है? अब ये तो गेन हो गया। मैं जानता हूँ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से कि नेट लॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट गेन, मीन्स लॉस इक्वल्स टू गेन होगा। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्लियर है बात? तो क्या होगा, यहाँ से जो हीट लिबरेट करेगा फ्यूल वो कितनी करेगा, एक्स इंटू सी कैलोरी। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना होगा लेकिन मुझे मान रहा हूँ कितना मैंने एक्स अमाउंट फ्यूल लिया था ना, तो एक्स अमाउंट फ्यूल लिया था और उसकी जो नेट या ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, वो सी थी। क्लियर है? सी थी। तो यहाँ से एक चीज़ मैं जान चुका हूँ कि हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये मैंने निकाला है अभी और ये भी मुझे पता चल गया है। तो नेट हीट लॉस और नेट हीट गेन दोनों को हमने बराबर किया कर दिया। जब इन दोनों को हमने इक्वेट किया तो यहाँ से सी की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। और सी की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करी, जब ये तो थी हमारा क्या लॉस और ये था गेन, मीन्स फ्यूल के द्वारा इतना लॉस हुआ था किसमें, एनर्जी में या हीट में, और वाटर और कैलोरीमीटर ने इतनी हीट गेन करी थी। ठीक है, जब दोनों को इक्वेट किया हमने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो यहाँ से सी की वैल्यू हमें कुछ इतनी निकल कर आई थी। ठीक है, और एच सी वी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हमारी इतनी आ गई थी। क्लियर है बात? अब हम बात कर रहे हैं कि अगर एच सी वी मुझे पता चल गया तो लो कैलोरीफिक वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर सारे टर्म्स आपसे फेमिलियर होंगे। ये W कैपिटल W क्या है, स्मॉल W क्या है, T2 T1 क्या है और X क्या है। X हमारा है फ्यूल सैंपल, सैंपल में हमने कितना वेट लिया था। ठीक है, मींस यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, सारी चीज़ें हमने अज्यूम की थी और वो यहाँ लिखा है। सेम चीज़ यहाँ पर आप इनको मानकर सॉल्व करेंगे और इस पे न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम वगैरह में, और मेरे ख्याल से आप न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है एंड बट फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, न्यूमेरिकल भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको न्यूमेरिकल भी करा देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हायर कैलोरीफिक वैल्यू हमने निकाली तो यहाँ से लोअर कैलोरीफिक वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें और हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिस पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। एंड बाकी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। तो ये वीडियो में हमने क्या बात करी थी, बॉम कैलोरीमीटर के ऊपर। ऑलराइट, सो थैंक यू।